कुछ जो 2-3 साल का पीछे कैरियर था जो डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए थे उसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की हॉकी को स्पेशली डोमेस्टिक हॉकी को बहुत ज़्यादा उस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि ये हालात सरकमस्टेंस ऐसा बन गया वजह कि पाकिस्तान हॉकी इस तरह लग रहा था कि यह खत्म हो जाएगी। अब हमें तो कोई जानता ही नहीं था बी ऑनेस्ट के हम लोग कहीं पे भी जाते थे उन्हें बताते हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेयर हैं पहले तो वो मानते नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उस टाइम इन्वॉल्व होना ही बहुत बड़ी बात थी और जिस तरह के राणा मशहूद साहब ने एफर्ट की और एक टीम को कंबाइन किया। इन 4-5 सालों में मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि जिस तरह में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मैं तमाम क्रेडिट देता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली राणा मशहूद साहब को। जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो बाहर लोगों का हजूम देख के लोगों का जोश वलवला देख के मुझे ये लगा था कि पायलट ने जहाज किसी गलत जो है वो मुल्क में उतार दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, राणा मशहूर साहब ने जो है वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो अब जितना फेम मिल रहा है हॉकी प्लेयर्स को भी तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह ये 2 से 3 इवेंट्स और हैं और आप हॉकी प्लेयर्स को भी उधर ही देखेंगे कि जिधर क्रिकेटर्स हैं।